सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग से बताने वाला हूँ एक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर के बारे में, एक ऐप के बारे में, जिसमें जैसे अगर आप लोग कोई भी सारी वीडियोस वगैरह को बनाते हैं तो उसमें आप लोग को ऑडियो की जरूरत पड़ती है। सो अगर आप लोग अपनी ऑडियो को नहीं लगाना चाहते और आप लोग सोचते हैं कि मैं कोई भी टेक्स्ट लिख दूं और उसका जो ट्रांसलेशन है वो अपने आप ऐप हमको करके दे दे, उसका हम लोग को ऑडियो बना के हम लोग को ऐप हम लोग को दे दे। सो गाइस, ये भी चीज़ें आप लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर ऐप्स वगैरह होते हैं जो इंग्लिश टेक्स्ट वगैरह की ऑडियो बना देते हैं, लेकिन हिंदी में जो आप लोग टेक्स्ट वगैरह यूज करते हैं उसकी ऑडियो नहीं जनरेट कर पाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों से यही बताने वाला हूं एक हिंदी टेक्स्ट को हम लोग कैसे एक ऑडियो में उसको जनरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी के साथ में। तो जानने के लिए आप लोग हमारी वीडियोस को पूरा देखना है, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा होगा तो प्लीज सर आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आप लोग अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और यहां पे टेक्स्ट टू स्पीच को हम लोग यहां पे सर्च कर लेंगे और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग के ये आप लोग का ऐप आ जाएगा। आप लोग को इस ऐप को यहाँ पे से इंस्टॉल कर लेना है। आपको इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले हम लोग उस अपने ऐप को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इसको मैं लोग अभी मैं ऐसे इसको मैं क्रॉस करता हूँ, स्किप ट्यूटोरियल को भी मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग के यहाँ पे ऊपर इंग्लिश लिख के आ रहा है। तो आप लोग बस सिंपली ऐसे इंग्लिश पे चले आना है और इंग्लिश पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद आप लोग इसको ऐसे हिंदी सर्च कर लीजिए। और अगर आप लोग को इंग्लिश ट्रांसलेशन को ही आप लोग को ऑडियो में चाहिए तो आप लोग अपनी उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वॉइसेस देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद गाइस आप लोग नीचे देख सकते हैं वॉइसेस में ढेर सारी वॉइस आप लोग को दिख जाएगी और इसमें से आप लोग अपनी कोई सी भी एक वॉइस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अभी मैं मान लीजिए 9 वाली को मैं सेलेक्ट कर लिखता हूँ, तो इसमें आप एक एक करके आप लोग सारी वॉइसेस को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसको आप लोग उसको सेट करना है। आप लोग उसको सेट करके सेट एज डिफॉल्ट वॉइस कर देना है और ऊपर से आप लोग को डन कर देना है। तो इतना कर देंगे तो आपका फॉर्मेट जो है रेडी हो जाएगा ऐप का। आप लोग को बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग बस आइए और यहाँ पे आप लोग अपना टेक्स्ट लिखना है। तो जैसे मैंने कोई भी एक टेक्स्ट हिंदी टेक्स्ट को मैंने उसको उठा रखा था तो मैंने उसको अब देख लिया है। आप देख सकते हैं आप लोग उसको सुनना चाहते हैं तो आप लोग जब स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ही। तो वैसे इस तरह करके आप लोग अपने किसी भी टेक्स्ट वगैरह को ऐड और कर लीजिए, जो भी आप लोग को ऐड करना है एडिट करना है आप लोग वो सारी चीजें कर लीजिए। और सुनने के बाद जब सब कुछ आप लोग को सही लगे तो आप लोग बस नीचे देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे आप लोग को सेव का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो बस आप लोग इसी सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आप लोग इसको नेम दीजिए जो भी आप लोग को नेम वगैरह देना है और ये 100% ऐसे आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग अपने गैलरी पे चले आएंगे, फाइल्स वाले ऑप्शन पे चले आते हैं, फाइल मैनेजर पे मैं आप लोग को इसको दिखा देता हूँ, म्यूजिक के ऑप्शन पे चले आते हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी मैंने जो ऑडियो बनाई थी वो यहाँ पे है। आज के इस डिजिटल समय तो इसको आप लोग अपने हर जगह यूज कर सकते हैं, काइंड मास्टर में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका मन करे आप लोग इसको यहाँ पे इस ऑडियो को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप लोग को एक सीक्रेट ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग इसको 3-4 बार यूज कर लेंगे तो इसमें आप लोग को सेकंड का काउंटडाउन देने लगेगा कि आप लोग इतने सेकंड बाद इसको आप लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक ट्रिक है गाइस, आप लोग अपने ऐप इन्फो पे जाके इसको क्लियर डेटा कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग का ऐप जो एकदम फिर से न्यू जैसा हो जाएगा। आप लोग फिर से आके अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, मात्र 10 सेकंड लगता है ये लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करने में। उसको आप लोग डिफॉल्ट वाइज और डिफॉल्ट लैंग्वेज पे उसको सेट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर से आप लोग इसको यूज करिए 3-4 इस तरह यूज करते हैं। उसके बाद एक बार आप लोग क्लियर डेटा करके उसको डिफॉल्ट लैंग्वेज और वॉइस को सिलेक्ट करके फिर से आप लोग उसको यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा इजिली और एकदम फ्री में। इसको आप लोग जितने बार चाहें उतने बार आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। सो होप ये वीडियो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आपसे तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।